मोलिनी नरसिंह मैम के मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भारतीय सेना पर खड़े सवाल खड़े करने वाले आज जो भी टुकड़े टुकड़े गैंग है वो लोग आज इस वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि आज भारतीय सेना ने जो पराक्रम किया है, जो कह रहे हैं एलएसी पर भारतीय जो सीमा में घुस गया है चीन, उसको लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है। और आपको आज दिखेगा कि भारतीय सेना ने कैसे लहराया है तिरंगा, भारतीय सेना ने कैसे आज एलएसी पर लहराया है तिरंगा और चीनी सैनिक पोस्ट छोड़कर भाग चुके हैं। मैं आपको, क्योंकि आपको इससे पहले भी खबर कर बात देखिए कि भारतीय सेना ने ब्लैक टॉप पे कब्जा किया है, भारतीय सेना ने फिंगर फोर पे फिर से वापस ले लिया, भारतीय सेना ने कैलाश मानसरोवर को कब्जे में ले लिया, लेकिन आज यहां पर आपको देखने जा रहा है भारतीय सेना का वह पराक्रम, जब एलएसी पर भारतीय सेना के सामने जैसे पहुंचती भारतीय सेना चीनी सैनिकों के सामने, वो वहां से फरार हो जाते हैं। यानी कि युद्ध भारत ने जीत लिया है, क्या कुछ हुआ है, कैसे ये सब कुछ वाकिया हुआ है, एक्सक्लूसिव फुटेज आपको दिखाने जा रहा हूं। अनुरोध करूंगा वीडियो को देखिएगा पूरा और लाइक का बटन अभी दबा दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिए और हर एक फोन तक आज पहुंचना चाहिए। आज टुकड़े टुकड़े गैंग तक भी ये खबर पहुंचनी चाहिए जो हमारी इस भारतीय सेना से सवाल पूछती है, और ऐसे सवाल, सबूत वाले सवाल, जो सेना पराक्रम करती है उसे सबूत वाले सवाल कैसे पूछा आना चाहिए, मैं आपको बताता हूं वाकिया। यकीन मानिए 56 इंच का सीना आपका हो जाएगा, और अगर आपका सीना इस खबर को सुनकर देखकर 56 इंच का नहीं होता है तो यकीन मानिए टुकड़े टुकड़े गैंग आपके दिल में बसता है। और आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है, और जय हिंद नहीं लिखते हैं तो शायद आपके दिल में टुकड़े टुकड़े गैंग बसता है, ये अपने आप डिसाइड कर लीजिए। अब बताता हूं आपको असल वाकया क्या हुआ है। भारतीय सेना ने पेंगयोंग झील इलाके में चीन से टकराव के बीच अपनी तैनाती को मजबूत कर लिया है, लेकिन दोनों तरफ जारी गठबोध जो है वो टूटने के आसार तो कम नहीं जा रहे हैं, लेकिन पेंगोंग से लेकर के रेजांग ला इलाके में अब कम से कम 3 स्थानों पर भारत और चीन की सेनाएं जो हैं आमने सामने जुटी हुई हैं। दोनों देश के विदेश मंत्रियों की बैठक भी 10 सितंबर को मॉस्को में हुई थी, जिसमें 5 बिंदुओं पर वहां पर सहमति बनने की बात हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी 9 दिनों से लेफ्टिनेंट जनरल स्तर तक की बातचीत पर फैसला नहीं हो सका है। अब मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी आपने सुना होगा एक खबर कि वहां पर फिंगर फोर के पास जो चीनी सैनिक हैं वो पंजाबी गाने गा रहे थे, और पंजाबी गाना गाकर वो भारतीय सैनिकों को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे इस सर्दी के मौसम में दिल्ली में बैठे उनके हुक्मरान या भारतीय सेना के, दिल्ली की सरकार ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया हुआ, इसलिए यहाँ से चले जाएं और ठंड बहुत ज़्यादा है, यानी कि फटी अपनी। तो वहाँ पर वो भारतीय सेना को कहें कि आप चले जाओ, आपकी जान को खतरा है, लेकिन साहब खुद की जान को दिखाई देने वाले ये चीनी सैनिक, सुनिए आगे क्या हुआ है। सोना सेना के सूत्रों से जो अनुसार खबर जो आई है, इस पर चीन की तरफ से फैसला नहीं किया जा रहा है, जबकि सेना पूरी तरह से वार्ता के लिए तैयार है। दरअसल इसके पीछे चीनी सेना यह महसूस कर रही है कि भारतीय सेना ने पेंगोंग के चोटियों पर रणनीतिक पोजीशन हासिल कर लिया है, इसलिए बातचीत में चीनी सेना हावी होने की कोशिश कर सकती है। भारतीय सेना भी पूरे फिंगर इलाके को खाली करे। सूत्रों के अनुसार उत्तर पेंगोंग, रेजांग ला और फिंगर फाइव क्षेत्र में 3 स्थानों पर दोनों देशों की सेनाएं जो हैं वो आमने सामने हैं, और उनके बीच की दूरी जो है वो दूसरी लगभग 200 से 300 मीटर से ज़्यादा नहीं है। हालांकि पिछले 10 दिनों में टकराव की खबर कोई नहीं आई है। इससे पहले कोशिश की जो स्थिति तनावपूर्ण है, और मैं आपको बता दूं इससे पहले जो भी कोशिश की जा रही थी उसको लेकर महसूस की जा रही है इस समय की दोनों सेनाओं की स्थिति को खत्म करें और पीछे हटें। पिछले सप्ताह ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत भी हुई थी इस मुद्दे पर, लेकिन इस पर पूरी रूप से किसी उस मसौदे पर नहीं पहुंचा सका, एक अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचा सका, लेकिन इसके लिए चीन अमल करने को अभी राजी नहीं है। मैं आपको बताऊं इस बीच बॉर्डर पर जो है लद्दाख क्षेत्र में ठंडक ने दस्तक दे दिया है,
और ठंडक दस्तक देने शुरू हुई कर दी। मीडिया को जो खबरें आ रही हैं उससे चीनी सेना को हालत खराब होने लगी है। हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि तो इस प्रकार की नहीं हो रही है, लेकिन भारतीय पक्ष ने अलबत्ता यह जरूर कहा गया है कि सेना ने सर्दियों की दस्तक कहा जा रहा है कि सेना ने सर्दियों की दस्तक में मद्देनजर तैयारियां तेज कर दी हैं। LAC पर भारतीय जवानों की मुस्तैदी से डटे हुए हैं। यह माना जा रहा है कि यह टकराव जल्द खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन चीनी सैनिक जो हैं वो ठंड से इस समय कांप रहे हैं। उनको ठंड से ज़्यादा भारतीय सैनिकों का भी डर सता रहा है कि चीन जानता है कि भारतीय सैनिक हैं, इन्हें कहीं भी खड़ा कर दो, ये दिल से और दिमाग से दोनों से सोचते हैं, यानी कि ये यहाँ से जाने वाले नहीं है। इसलिए वो DJ बजाता है, वो पंजाबी गाने बजाता है। चीन पंजाबी गाने सुनने लगा, साहब अभी तो इसको संस्कृत में और रामायण भी सुनाया जाएगा और भारतीय सेना जब महाभारत करेगी उस तांडव को कैलाश पर्वत पर, जो भगवान शिव आपको पता है वास करते हैं उस कैलाश पर्वत कैलाश मानसरोवर पर, भारतीय सेना और भगवान शिव जब तांडव करेंगे तो क्या होगा आपको पता है, चीन की हालत खराब ही होगी। तो ये है पूरी की पूरी खबर। और यहाँ इस खबर में सबसे अहम बात आप समझिएगा कि सर्दियाँ एकदम पास में हैं और भारतीय सेना को सर्दियों में रहने की आदत है। वो किसी भी हालत में, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, माइनस कितना भी डिग्री टेम्परेचर हो और प्लस कितना भी डिग्री टेम्परेचर हो, एक सामान्य धरती के किसी भी इलाके में भारतीय सेना हमेशा तैनाती के लिए पूरी तरह से मोर्चा संभाले रहती है। और ऐसे में चीन की जो 80% जो वहाँ के सैनिक हैं, वो आपको बता दूं वो अनफिट हैं, वो लेस्बियन हैं, उनको मानसिक बीमारी है, तो वो आखिर अब इस सर्दी के मौसम में, बता दूं आपको सर्दियों के मौसम में ही ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं इन बीमारियों का। अब ऐसे में आप खुद सोचिए चीनी सैनिक कैसे वहाँ लद्दाख में पेंगोंग जिम में कैसे रह पाएंगे, जबकि भारतीय सेना ने, बता दूं आपको भारतीय सेना ने, भारत ने बॉर्डर पर एयरपोर्ट से लेकर के रेलवे हवाई ट्रैक्स, मतलब रेलवे ट्रैक सुरंगे वो सब कुछ बना लिया है टनल। अब ऐसे में चीन यही सोच रहा है कि अब इस वक्त क्या किया जाए, और वो जानता है कि इस समय वो विश्व के सभी देशों से लगभग दुश्मनी मोल ले चुका है। ताइवान उसका पड़ोसी, इसका अपना भी उससे पराया हो चुका है और उससे पूरी तरह से लड़ाई चल रही है। अमेरिका इसको पर हावी हो चुका है, रशिया ने भी उसके ऊपर कवर दूसरे तरफ से प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है, जो रशिया उसका दोस्त हुआ करता था। इसके अलावा विश्व के बहुत सारे देश हैं, चाहे ब्रिटेन हो, ब्रिटेन ने भी उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदियाँ लगा दी हैं। विश्व के सभी देशों ने लगभग उससे हाथ खींच लिया है। कुछ ऐसे देश हैं जिनको अपने कर्ज के नीचे, जहाँ सा विश्व के सबसे ज़्यादा कर्ज देने वाला चीन है, वो भी अपने से गरीब देशों को, और उन गरीब देशों को पैसा दे करके वो ये क्या, वो उनसे अपने मनमानी का काम करवाता है। आप समझिए ऐसे में चीन की हालत जो है आने वाले वक्त में और बद से बदतर हो जाएगी, क्योंकि कब तक पैसे के दौर पर तुम काम कराओगे जब तक अपने सेना में फिट नहीं है। और मैं आपको बता दूं, कितनी भी बंदूकें रख लीजिए, कितनी भी मिसाइलें रख लीजिए, जब तक जज्बा नहीं होगा तब तक किसी भी युद्ध को जीता नहीं जा सकता है। जब किसी भी, आपको उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, आपको देख लीजिए 70 सालों से भारत में सत्ता कांग्रेस की रही थी, लेकिन इन लोगों ने दिल में जज्बा नहीं था, इनके अंदर शक्ति नहीं थी कि ये लोग जा कर के LAC पर किसी प्रकार का निर्माण कर पाते। लेकिन भारतीय सेना ने, अब जब से मोदी सरकार आई है, भारतीय सेना उनके उसमें कहीं ना कहीं अब जो भी कुछ किया है वो भारत के विकास के लिए हुआ है। चलिए इस वीडियो को मैं यहाँ ख़त्म करूँगा। अनुरोध करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हर एक फ़ोन तक पहुँचा दीजिए, क्योंकि आज की ये वीडियो हर एक फ़ोन तक पहुँचनी ज़रूरी है। चलिए इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करूँगा, फिर से अनुरोध करूँगा, बने रहें ओनली न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।